हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम अध्याय 9, स्कंध 2 अध्याय 9, श्लोक नंबर 9। तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः संदर्शयामास परं नयत्परं व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसं स्वदृष्टवद्भिर् पुरुषैरभिष्टुतम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री भगवान ने श्री ब्रह्मा की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपनी निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के क्लेशों तथा सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त है। तो भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या से संतुष्ट हो गए, ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी पर प्रसन्न होकर अपना घर दिखाया। आप किसको अपना घर ले आते हैं? जो आपके क्लोज होते हैं, यानी कि अनजान व्यक्तियों को लेकर आएंगे, है ना। जो जो आपके प्रिय होते हैं उनको तो आप बार बार ले आते हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने वैकुंठ जगत दिखाया और ये वैकुंठ जगत उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है। और वैकुंठ में कोई दुख, कोई जन्म, कोई मृत्यु, कोई बूढ़ा नहीं होता, ना कोई बीमार होता है, ना कोई किसी भी प्रकार की चिंता सताती है, ये सब नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी ने तो तप कष्ट सहे, तपस्या किया ना, तपस्या में तो कष्ट होता ही है। कोई भी तपस्या करे तो तपस्या में तो कष्ट होता ही है। जो तपस्या का कष्ट सहे वो निश्चित ही भक्ति की श्रेणी में थे, भक्ति योग कर रहे थे। तो भगवान का स्वलोक वैकुंठ लोक, जो कुछ लोग समझते हैं कहाँ है वैकुंठ लोक, ये तो काल्पनिक होगा, ऐसा कहाँ पे कैसे पता चलेगा ये वो, ऐसा ब्रह्मा जी से पता चलेगा क्योंकि ब्रह्मा जी ने देखा है, क्योंकि वे काल्पनिक नहीं है। लेकिन भौतिकतावादी बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि भगवान का लोक काल्पनिक है क्योंकि वो नहीं गए हैं तो काल्पनिक है। किंतु भगवान ने दिव्य धामों की प्राप्ति भक्ति द्वारा ही हमें संभव होगा। ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं करेंगे और हम ध्यान कर लेंगे, कुछ कुछ और चीजों में ध्यान करेंगे और किसी और की भक्ति करेंगे, भगवान की नहीं करेंगे, और तो भी हमें भगवत भगवान का धाम मिलेगा, ऐसा संभव नहीं है। तो आत्म साक्षात्कार की जो बाकी विधि है, जैसे कि ज्ञान योग है, ध्यान योग है, इन सब में बहुत कष्ट है और ज्यादा कष्ट है। भक्ति योग में तो इतना कष्ट नहीं है, लेकिन उन सब का जो फल है वो बहुत लिमिटेड है। भक्ति योग का फल जो है अनलिमिटेड है, आपको भगवान का धाम मिलता है, भगवान के साथ लीलाओं में भाग लेने का मौका मिलता है। तो भक्ति योग साधना श्री भगवान के उदर से निकले कमल पर आसन जमाने के समान है। श्री जीव गोस्वामी ने भागवत की कर्म क्रम संदर्भ नामक अपने टीका में गर्ग उपनिषद से एक उद्धरण दिया है जिसमें कहा गया है कि याज्ञवल्क्य ने गार्गी को भगवान के दिव्य लोक के विषय में वर्णन किया और बताया ये लोक ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक के ऊपर स्थित है। तो ये इसका वर्णन आता है कि अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन आता है। कहने का तात्पर्य है गर्ग उपनिषद में है, उपनिषद तो 108 है, इसमें गर्ग उपनिषद में भी है, बहुत सारे उपनिषदों में है। तो भगवान का धाम जो भी अल्पज्ञानी है, यानी जो भक्ति नहीं करते हैं, उनके लिए एक मिस्ट्री है, रहस्य है, और इसको वो नहीं समझ पाते कि भगवान का धाम है कि नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आसक्ति, भौतिक आसक्ति, घृणा, किसी का शोषण करना या भौतिक शरीर, मलमूत्र निकलना, पसीना निकलना, ऐसा नहीं होता है शरीर। वहाँ शरीर दिव्य होता है और ईर्ष्या, लोग ईर्ष्या, यहाँ पे सब लोग ईर्ष्यालु होते हैं। अच्छा, मेरे से ज़्यादा ये कैसे आगे बढ़े, मेरे से ज़्यादा ये कैसे धनी हो गए, मेरे से जल्दी कैसे प्रमोशन मिल गया, ईर्ष्यालु होते हैं। वहाँ पे ऐसे नहीं होते हैं, लोग खुद से ज़्यादा दूसरों से प्रेम करते हैं, ऐसे ऐसा लोक है वो। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बताया है कि सर्वोच्च लोक जो है वैकुंठ लोकों के भी सर्वोच्च लोक गोलक वृंदावन है, जहाँ भगवान गोप के रूप में दिव्य सुरभि गायों सहित सैकड़ों हजारों लक्ष्मियों से घिरे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी ने भी इसकी पुष्टि की ब्रह्म संहिता में 5.29 श्लोका में,
चिंतामणि प्रकरसात्मसुकल्पवृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो वहाँ पे भगवान जो है चिंतामणि से बना हुआ है भगवान का धाम। कल्प वृक्ष है, जो मांगे वो वृक्ष दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो फल का वृक्ष है वही फल देंगे, ऐसा नहीं। कुछ भी मांगे, कुछ भी इच्छा पूर्ति करते हैं। सुरभि गाय अनगिनत अनगिनत गाय है और अनलिमिटेड दूध दे सकते हैं। तो अनंत बहुत सारे लक्ष्मियाँ हैं और भगवान उनके द्वारा सेव्य है। श्लोक नंबर 10। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुतापरे हरे रनुव्रता यत्र सुरासुरार्चितः। भगवान के उस स्वधाम में ना तो रजोगुण और तमोगुण रहते हैं, ना ही सत्वगुण पर इसका कोई प्रभाव दिखता है। वहां पर काल को प्रधानता प्राप्त नहीं है। बहिरंगा शक्ति माया का तो कहना ही क्या है। इसका तो वहां प्रवेश भी नहीं हो सकता है। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। तो भगवान के स्वधाम में कोई तीनों गुण नहीं रहता है। एक्चुअली वो शुद्ध सत्व है, तीनों गुणों से ऊपर है। इसलिए जब व्यक्ति तीनों गुणों से पूरी तरह ऊपर नहीं उठ पाते हैं तो भगवान के धाम नहीं जाते हैं। सत्वगुण में रहना अच्छा है, रजोगुण तमोगुण में रहकर भक्ति नहीं होती है, सत्वगुण में रहकर होती है। पर सत्वगुण से भी फिर वो ऊपर उठ जाते हैं। वहाँ पे काल का प्रधानता नहीं है। जैसे यहाँ पे दिन रात होता है तो व्यक्ति आज 10 साल के, 20 साल के, 50 साल के, ऐसे 80 साल के फिर मर जाते हैं, शरीर छोड़ना पड़ता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है, काल का कोई प्रभाव नहीं है। माया वहाँ घुस भी नहीं सकती, इसलिए माया को बहिरंगा शक्ति कहा गया है। यानी बाहर रहते हैं, भौतिक जगत में रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश वर्जित है। तो भगवान का लीलाएं होती है, भले ही कोई भगवान की लीलाओं में असुर हो या देवता हो या कोई भी हो, सब लोग भगवान की पूजा करते हैं। तो भगवान का धाम, यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान का धाम या वैकुंठ लोक का जो वातावरण है उसे त्रिपाद विभूति कहते हैं। त्रिपाद विभूति मतलब अगर हमने पूरा आध्यात्मिक और भौतिक जगत को एक गोलाकार वृत्त बना दिया तो उसका चार भाग किया, तो एक भाग भौतिक संसार है, तीन भाग वैकुंठ जगत है। इसलिए त्रिपाद विभूति भौतिक ब्रह्मांडों की अपेक्षा 3 गुना विशाल है, जिसका वर्णन भगवद गीता में भी हुआ है। और यह ब्रह्मांड अपने करोड़ों ग्रहों नक्षत्रों सहित महत्तत्व की परिधि में सपुंचित अरबों ब्रह्मांडों में से एक है। तो हमारा ब्रह्मांड ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इकलौता ब्रह्मांड है, ऐसे अरबों खरबों ब्रह्मांड है, उनमें से बस एक है। और ऐसे अनंत ब्रह्मांड भी भगवान के धाम के सामने बस उनके बहुत नगण्य है। यानी हमारे भौतिक ब्रह्मांडों से 3 गुना बड़ा जो है वैकुंठ जगत है। कई बार ऐसा भी एक प्रकार से सिली क्वेश्चन आता है कि सब लोग अगर भगवान के धाम जाएंगे तो यहाँ कौन रहेंगे, ये तो खाली हो जाएगा, कभी खाली नहीं होगा। जब राम जी अयोध्या से चले गए थे तो अयोध्या वासियों को सबको आध्यात्मिक जगत में जो अयोध्या है वहां लेकर गए थे, फिर भी क्या अयोध्या खाली हो गया? कभी खाली नहीं होता, भौतिक जगत कभी खाली नहीं होता है। उसमें अलग अलग जीवात्माएं आते रहते हैं जो क्रमिक विकास कर रहे हैं, चींटी सांप हाथी इत्यादि से जो मनुष्य बन रहे हैं, और भी बहुत सारे पापी आत्माएं जो है इस भौतिक संसार में जन्म लेते रहते हैं। हमें उसकी टेंशन नहीं लेना चाहिए, हमें अपनी चिंता करनी चाहिए और आसपास जो भी लोग हैं सबको ले जाकर हमें भगवत धाम जाने का प्रयत्न करना चाहिए। तमोगुण के कारण जीवात्मा में कामना वासना पाई जाती है और क्रोध पाई जाती है, जिसके जिससे डिस्ट्रॉय होता है। तो वैकुंठ लोक में इन सब चीजों से व्यक्ति मुक्त होते हैं। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि मनुष्य ब्रह्मभूत अवस्था में वासना तथा शोक दोनों से मुक्त हो जाता है, कोई दुख भी नहीं होता है।
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा अवस्था में। अतः इससे निष्कर्ष निकला कि वैकुंठ लोक के निवासी ब्रह्मभूत जीवात्माएं हैं, जबकि संसारी जीव जो है वासना और शोक से पूर्ण रहते हैं, हमेशा स्ट्रेसफुल, हमेशा कुछ ना कुछ दुख लगा रहेगा, कुछ ना कुछ इच्छाएं जागृत होंगी, लेकिन भौतिक जगत की तरह आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। जब भौतिक जगत में कोई व्यक्ति रजोगुणी तथा तमोगुणी नहीं होता तो उसका यही अर्थ होता है कि वो सत्वगुणी होता है, किंतु भौतिक जगत में सत्वगुण भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण से कलुषित हो ही जाता है। वैकुंठ लोक में केवल अमिश्र सत्वगुण यानी शुद्ध सत्वगुण पाया जाता है, इसमें कोई मिश्रित नहीं होता। यहाँ पे सत्वगुण में भी मिश्रण हो जाता है, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकते कि 100% वो सत्वगुण में है, क्योंकि कभी तमोगुण आएगा, कभी रजोगुण भी आ सकता है। तो ये भगवान के लोक के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे यहाँ पे लोगों को भ्रम होता है, हो सकता है सांप को रस्सी, रस्सी को सांप मान ले, लेकिन भगवान के धाम में ऐसा भ्रम वाली स्थिति पैदा नहीं होते हैं। तो इस शक्ति भगवान की है। कई लोग शक्ति को मानते हैं कि एनर्जी को हम मानते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते। शक्तिमान के बिना शक्ति आ ही नहीं सकती है। ये जो बहिरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, ये सब भगवान से ही आया है, कृष्ण से ही आया है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में बताया है, जैसा कि श्रील जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है नारद पंचरात्र से, हम जान सकते हैं कि दिव्य जगत अर्थात वैकुंठ लोक दिव्य गुणों से युक्त है, और ये दिव्य गुण जो भगवान की भक्ति के माध्यम से प्रकाश में आते हैं, सांसारिक रजो तमो तथा सत्वगुण से भिन्न होते हैं, और ऐसा दिव्य गुण कभी अभक्तों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात केवल और केवल कृष्ण भक्ति के द्वारा ही हम दिव्य गुणों को अर्जित कर सकते हैं। पद्म पुराण के उत्तराखंड में कहा गया है कि भगवान की 1/4 सृष्टि से परे 3/4 जो है भगवान वैकुंठ जगत, 3/4 यानी 3 भाग वैकुंठ जगत है, बस 1 भाग भौतिक जगत है। वहां की समस्त जीवात्माएं अखंडित है। कभी भी वैकुंठ जगत में रहने वाला जीवात्मा को कोई भी प्रकार का विकार नहीं सताता है, और वो पूरी तरह से दिव्य दिव्य स्टेज पर होते हैं। तो वहां पे क्षय प्रलय घात प्रतिघात जन्म चक्र वृद्धि अस्तित्व रूपांतर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि काल का प्रभाव नहीं है। आइए अब हम श्लोक नंबर 11 पढ़ते हैं। श्यामावदातः शतपत्र लोचनः विषंग वस्त्र सुरुचः सुपेशचः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि प्रवेक निष्काभरणा सुवर्चसः। वैकुंठ लोक के वासियों को प्रभाव पूर्ण श्याम वर्ण का बताया गया है। श्याम वर्ण का कौन है? ऑब्वियसली भगवान श्री कृष्ण है। तो वैकुंठ जगत में रहने वाले व्यक्तियों का कलर श्याम वर्ण बताया गया है। जैसे आप यहाँ पे इंडियन कलर जो है थोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें ब्लैक और व्हाइट दोनों होते हैं, पर व्हाइट भी इतना व्हाइट नहीं होता जैसे कि अमेरिकन लोग होते हैं या रशियन लोग होते हैं, वो दूसरा कलर है ना। तो कई लोगों को वो कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। अफ्रीका में बिल्कुल ब्लैक होता है कई लोग। तो ऐसे ही हर जैसे अलग अलग जगह का अलग अलग कलर है, अलग अलग नैनक्ष है, तो फीचर्स है सब कुछ। तो भगवान के धाम के लोगों के बारे में यहाँ बताया गया है कि वैकुंठ लोक के वासियों को प्रभावपूर्ण श्याम वर्ण का बताया गया है, जो सबसे अट्रैक्टिव कलर है, जो कृष्ण का कलर है श्याम वर्ण। उनकी आंखें कमल पुष्प के समान है, इतना सुंदर आंखें है। उनके वस्त्र पीलाभ रंग के और उनके अंग प्रत्यंग अत्यंत आकर्षक है। हर एक अंग इतना सुंदर है, सुगठित है। एक दृष्टि अगर पड़ जाए किसी का, भौतिक जगत के प्राणी अगर देख पाए उनको, तो हटाना मुश्किल है। कहा जाता है कि हमारे जो ये पृथ्वी है उससे करीब 500 गुना या उससे भी ज्यादा गुना सुंदर जो है चंद्र चंद्रलोक की जो स्त्रियां है वो है। और चंद्रलोक की स्त्रियां भी जब वैकुंठवासी किसी को देखते हैं, जैसे विष्णुदूत आए हैं पृथ्वी में किसी को लेने के लिए, उन्होंने देख लिया तो बेहोश हो जाते हैं। जैसे हमारे में कथन है ना कि आज तो आप इतना सुंदर लग रहे हो, सब लोग बेहोश हो जाएंगे।
यहाँ बेहोश कोई नहीं होता है, इतना भी सुंदर मनुष्य नहीं है, लेकिन वैकुंठवासी इतने सुंदर, सुगठित, हर एक अंग प्रत्यंग इतना आकर्षक होते हैं कि लिटरली चंद्रलोक के वासी बेहोश हो जाते हैं उनको देखकर। जो वैकुंठ लोक के वासी है उसके बारे में इस श्लोक में बताया जा रहा है, वे तरुण है। तरुण तरुण मतलब एकदम यंग, यंग, एनर्जेटिक, सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। और उन सबके जो वैकुंठ लोक में वास करते हैं, चार चार हाथ हैं, वे मोती के हार पहनते हैं और अलंकृत पदकों से भांति भांति आभूषण, और भी बहुत सारे आभूषण हैं, अलग अलग रत्न हैं, बहुत तेजवान प्रतीत होते हैं। इसीलिए जब अजामिल का जो हम कथा पढ़ते हैं भागवत से, तो तीन तीन नहीं यमदूत आए, तो यमदूत आने के बाद जब नारायण नाम लिया अजामिल ने, तो विष्णुदूत आ गए। विष्णुदूत की सुंदरता देखकर यमदूत उनको दुस्साहस नहीं किया कि उनके साथ सीधा लड़ाई करे, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर हुआ उनके बीच में यमदूत और 6 कैंटो में हमें पता चलता है श्रीमद् भागवतम में। तो बहुत सुंदर दोनों ने ही शास्त्रों से बातें की है, यमदूतों ने भी की है, तो बहुत सुंदर। उनको जब भी संबोधन करते हैं यमदूत विष्णुदूतों को, उनको बोलते हैं इतने सुंदर, मतलब जैसे उनके सुंदर अंग प्रत्यंग है, उसका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उनकी आवाज की ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो वैकुंठ लोक के वासी दिव्य अंग प्रत्यंग वाले हैं और इस लोक में कहीं भी नहीं पाए जाते। इनका वर्णन श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में मिलता है। और जो वैकुंठ लोक की जो शारीरिक रचना है वो ब्रह्मांड में, यहाँ पे मनुष्य लोक में तो छोड़ ही दीजिए, स्वर्ग लोक में या कोई ऊपर के लोक में भी नहीं पाई जाती है। तो आगे हम 12 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। प्रबाल वैदुर्य मृणाल वर्चसः परिस्फुरत कुंडल मौली मालिनः। उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा हीरे की भांति तेजस्वी है, ये रत्न है, रत्न की भांति तेजस्वी है, और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण करते हैं, सजाते हैं अपने सिर माला से, जो कमल पुष्प के समान खिली हुई है। कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखी है। तो यानी कुछ निवासी ऐसे हैं जिन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त है। सारूप्य मुक्ति का मतलब भगवान जैसा ही शरीर प्राप्त है। सारूप्य, चार प्रकार की मुक्ति होती है ना वैकुंठ जगत में, सालोक्य, सामीप्य, सारस्ति, सारूप्य। तो वैदुर्य हीरा विशेषतः भगवान के निमित्त है, किंतु जिनको सारूप्य मुक्ति प्राप्त होता है उनको भी ऐसे हीरा धारण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है विष्णु लोक में। श्लोक नंबर 13। प्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते लसद्विमानावलिभिर्महात्मनम् विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युदभावदिभिर्यथानभः। सारे वैकुंठ लोग विभिन्न चमचमाते विमानों से भी घिरे हैं, उनके पास अपना अपना विमान है। यहाँ पे तो हम जाते हैं विमानों में और उसमें भी फ्यूल डालना पड़ता है, वहाँ फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, वो विमान कभी एक्सीडेंट भी नहीं होता है। तो चमचमाते विमान है, बहुत सुंदर आकर्षणीय विमान है। ये विमान महात्माओं या भगवत भक्तों के हैं। स्त्रियाँ अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती है, चमकती है बहुत, और ये सब मिलकर ऐसा प्रतीत होता है मानो बादलों और बिजली से आकाश सुशोभित हो, इतना तेजस्वी। तो भगवान के जो परम भक्त है, और वहाँ के जो, ऐसा नहीं कि वहाँ पे स्त्री पुरुष नहीं है, स्त्री भी है पुरुष भी है, सब लोग भगवान के भक्त है। वहाँ पे जो पति, ऐसा नहीं कि पति पत्नी नहीं है क्या वहाँ पे, नहीं पति पत्नी है वैकुंठ लोक में, लेकिन पति पत्नी जो है अपनी एक दूसरे के शरीर से उत्पन्न जो वासनामयी भावना उससे प्रभावित नहीं है। दोनों के अंदर पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति है और दोनों एकदम सटक के विमान में कैसे बैठते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ एक तरह से मिलके बैठते हैं ना, ऐसे बैठते हैं। और स्त्रियां भी लक्ष्मी जैसे सुंदर है, पुरुष भी बहुत सुंदर है,
लेकिन दोनों की एक दूसरे की बॉडी के टच होने पर भी ऐसे ऐसे लस्टी डिजायर नहीं होता जैसे भौतिक जगत में होता है। दोनों ये सोचते हैं कि कैसे हम भगवान की भक्ति कर सके। तो भौतिक जगत में कोई अगर उस तेज तक नहीं पहुंच पाते हैं जब तक, तो पति पत्नी भी इसलिए क्या करते हैं, मिलके भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाते हैं ताकि वो वैकुंठ जगत में प्रवेश पा सके। तो चूंकि हर वस्तु वहां पे सच्चिदानंद स्वरूप है, अतः विमान तथा वाहन भी ब्रह्म के ही समान गुणों वाले हैं। तो जिस प्रकार वहाँ विमान है, स्त्रिया है, पुरुष है, नगर है, घर है, सारी वस्तुएं हैं, लेकिन सब कुछ दिव्य है। यहाँ की तरह नष्ट नहीं हो जाता कि आप एक कुछ खरीद लाए, सोना ही आप पहन लीजिए, सोना भी क्षय हो जाता है, चांदी काली पड़ जाती है, कुछ समय बाद बहुत कुछ मतलब टूट जाता है, फूट जाता है, वहां पे ऐसा नहीं होता है। ओके, तो हम श्लोक नंबर पढ़ेंगे अब 14। श्री यत्र रूपिण्युरुगाय पादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः। प्रेङ्खं श्रिताया कुसुमाकरानुगे विगीयमाना प्रियकर्म गायति। दिव्य रूपधारी लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की प्रिय सेवा में लगी हुई है। लक्ष्मी जी को भगवान अपने वक्ष में स्थान दिया है, हृदय में स्थान दिया है। पर लक्ष्मी देवी ऐसी भक्तिन है कृष्ण की कि वो हमेशा भगवान के चरण कमलों की ही पूजा करती है। चरण इसलिए पाद सेवनम में लक्ष्मी देवी का नाम आता है। और वसंत के अनुचर भौरों के द्वारा विचलित होकर वे ना केवल विविध विलास अपने सहेलियों सहित भगवान की सेवा में तत्पर है, अभी तो भगवान की लीलाओं का गुणगान भी कर रही है। तो हम जब सेवा करते हैं तो सेवा के साथ भगवान के गुणगान करना चाहिए, हरि नाम का जप करना चाहिए। जैसे कि हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं तो हम सुंदर भगवान के गुणगान करते हुए नाम जपते हुए बनाना चाहिए। तो ऐसे हर कार्य में जब हम भगवान की गुणगान गाते हुए करते हैं तो भगवान और उनके भक्त सभी प्रसन्न होते हैं। तो लक्ष्मी जी वैकुंठ जगत में भगवान के चरणों की सेवा करती रहती है। श्लोक नंबर 15। ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनंदनंद प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदाग्ने परिसेवितं विभुम्। श्री ब्रह्मा ने वैकुंठ लोक में उन भगवान को देखा जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति, समस्त यज्ञों के स्वामी तथा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और जो नंद सुनंद प्रबल तथा अर्हन आदि अपने अग्रणी पार्षदों द्वारा सेवित है। तो ब्रह्मा जी ने सबको देखा, भगवान को देखा, भगवान की पत्नी लक्ष्मी देवी को देखा, समस्त भक्तगणों को देखा, सब लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये सब देखा। तो भगवान के पार्षदों के समेत, भगवान के जो प्रतिनिधि है उनके समेत इसलिए हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए। और इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए हम जब मंदिर भी रखते हैं तो उसमें ऑल्टर में भगवान भगवान तो होते ही है, और भगवान के पार्षद यानी जैसे कि जब आप गौ निताय रखते हैं तो पंचतत्व होते ही है गौ निताय में। तो ऐसे ही जैसे कि आप गुरु परंपरा रखते हैं सद्गुरु स्वामी और गुरु परंपरा, या जो अपने गुरु है जब दीक्षित होते हैं तो व्यक्ति गुरु का पिक्चर रखते हैं, तो भक्त के साथ भगवान की सेवा करना चाहिए। तो भगवान बहुत जल्दी बहुत जल्दी जो है प्रसन्न होते हैं, इसलिए कृष्ण का अकेले पूजा नहीं होती है। जो बुद्धिमान है वो राधा के साथ ही कृष्ण की पूजा करेंगे, क्योंकि राधा रानी के साथ कृष्ण की पूजा करने पर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आज हम श्लोक नंबर 15 पे ही कथा का समापन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।